जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा जो लेक्चर है सूरह यूनुस का वो ख़त्म हो चुका है और अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हमने आयत नंबर 93 यानी 93 से लेके आयत नंबर 103 103 तक जो है सूरह यूनुस की, इसका तर्जुमा पढ़ा है और शकील साहब ने फिर इसके जो अहम नुकात हैं उनकी तफसीर भी बयान की है। तो बड़ी वाजह बातें हैं और वही के जो अंबिया थे उनके वाकयात के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो हौसला दिया जा रहा है कि ये जो उनके साथ वाकयात हो रहे हैं ऐसे ही वाकयात पहले के अंबिया के साथ भी होते रहे, और इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से चलना है और आपकी जिम्मेदारी जो है वो क्या है, जो कि लिमिटेड है कि सिर्फ इस्लाम की तबलीग करनी है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग मुसलमान हो। तो अब हम इसका सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मेरे मेरा एक छोटा सा सवाल था, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े का भी हवाला इसमें दिया हुआ है, मेरा ख्याल है ये मज़ीद आगे तफसील से भी आएगा। तो इसमें सिर्फ एक ये था कि ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो वहाँ से निकल गए थे, तो वो मतलब आप को कोई अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था या आप मतलब ने खुद ये डिसीजन लिया था कि वहाँ से निकल जाएं? वो देखिए होता ये था गुज़िश्ता अम्बिया के साथ कि वो एक अल्टीमेटम देते थे और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से उनको प्रोबेबली जो है वो एक टाइम दे दिया जाता था कि आपने जो है वो फलाने दिन पे निकल जाना है, यानी एग्जैक्टली जब अजाब शुरू होगा तो नहीं निकलना, उससे पहले ही निकल जाना है। जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के केस में हमने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म यह था कि जब फलाने तनूर में से पानी उबलना शुरू हो जाए तो आप जो है ना निकल जाइएगा, तो ये एक निशानी जो है वो बता दी गई थी। इसी तरह दीगर अंबिया कराम के साथ भी जो है वो यही मामला था। अच्छा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी कोई इस तरह की एक डेट जो है वो अल्लाह ताला ने दी होगी यकीनन, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा वाकया पेश आया था, चूंकि उसकी डिटेल ना किसी हदीस में है ना कुरान हकीम में है, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि वो वाकया क्या था। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसा हुआ जिससे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर जो है वो आप अलैहिस्सलाम उस बस्ती से निकल गए और निकल के जो है वो बाहर चले गए। तो फिर जो है वो जैसे मैंने बताया कि नैनवा का इलाका था जो कि दरिया दजला के पास था, दरिया दजला जो है वो वहां तक गए और फिर एक कश्ती में बैठ गए और फिर कश्ती जो है वो रवाना हो गई और फिर जो है वो मछली के निकलने वाला वाकया हुआ। उसकी डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा डिटेल में हम देख लेंगे कि क्या हुआ था। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को डेट तो कोई दी गई होगी, लेकिन वो जो दरमियान में एक वाकया हुआ जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और वो गुस्से में निकल गए और उनका ख्याल था कि अल्लाह ताला उन्हें को नहीं पूछेगा कि भाई तुम डेट से पहले क्यों निकल गए या इस तरह से कौन को क्यों छोड़ दिया, कोई एक आध दिन शायद रहता हो, अब अल्लाह आलम। तो लेकिन उस पर पकड़ हो गई थी, तो ये हुआ था। ठीक है जी, ये जबरदस्त हो गया। जी, पार्टिसिपेंट में कोई सवाल किसी के जहन में है तो वो पूछ लें आज के लेक्चर के हवाले से, या कोई और जिमनन सवाल पूछते हैं आपने? जी, पार्टिसिपेंट में जो लोग शामिल हैं इस वक्त, आरिफ भाई, मिसाइशा, आजम साहब, फारूक साहब, कोई फारूक साहब आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं। जी जी मिस आयशा वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, जिक्र हुआ था हिदायत का कि अगर कोई शख्स चाहे या उसकी अपनी ख्वाहिश हो तो ही उनको हिदायत मिलती है। हमने भी यही सुना है कि अगर कोई दुआ करे अपने लिए, मतलब अगर कोई हिदायत चाहता है तो वो उसके लिए वो सिर्फ मांगने पे ही मिलती है।
ये जो फिनोमिना है ये क्या ऐसा भी होता है कि ये किसी की दुआ से, मतलब आपकी जो ख्वाहिश है वो भी तो पैदा हो, मतलब एग्जिस्ट ना करती हो और किसी की दुआ से पैदा होनी हो ये मतलब बहुत सारे केसेस में मतलब हमने देखा भी है, आप भी जानते होंगे कि लोग इतने ऑकवर्ड उसमें सिचुएशन में होते हैं और नहीं वो चाहते भी नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पर डाल लेता है थ्रू आउट देयर लाइफ, तो वो गलत उस पर चल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि बस। तो इसमें और कौन से अवामिल है सवाए इसके अलावा कि आप अपने लिए हिदायत मांगे? देखिए, उसके अंदर हमारे सामने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोई इरादा नहीं था मुसलमान होने का। वो घर से निकले थे कि वो माजल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। ठीक है, तो जो है लेकिन फिर वो जो तफसील से वाकया जो है वो आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा कि वो पहले जो है वो एक साहब उनको मिल गए, उन्होंने कहा तुम्हारी बहन ही मान ले आई है। तो वो उधर जाते हुए जो है वो अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े और फिर वो वहां पे कुरान हकीम की वो तिलावत कर रहे थे। तो वो सारा कुछ जो है वो वाकया हुआ। और इसके पीछे ये भी हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये थी कि दो उमर जो है वो उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम जिसको हम अबू जहल कहते हैं, इन दो में से कोई एक किसी एक को अल्लाह ताला जो है वो ईमान की तौफीक अता फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी पीछे। तो अल्लाह ताला ने जो चीज बजाहिर जो हमें नजर आता है अब आज बैठ के जो चीज देखी वो ये थी कि इन दोनों में से कौन ऐसा है कि उसको ईमान दिया जाए तो उससे दीन को फायदा पहुंचेगा। हम देखते हैं कि अगरचे दोनों बड़े जरी थे और दोनों बड़े ताकतवर थे और दोनों का बड़ी अकल फहम भी थी, लेकिन जो है एक के अंदर तकबुर, नखवत और अपने आप को बड़ी चीज समझना बहुत ज्यादा पाया जाता था अबू जहल के अंदर। और जो है वो इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने ये बीमारी नहीं। तो जो है वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से ये जाना कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो जो है वो इस्लाम के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी। हम यहाँ पढ़ भी चुके हैं कि किस कोई भी शख्स ईमान नहीं ला सकता जब तक अल्लाह ताला का इज़्ज़त ना हो। तो जो जनरल रूल है वो भी मैंने बता दिया, एक्सेप्शंस जो है ना वो रही हैं, आजकल भी होती होंगी यकीनन। तो के किसी ने दुआ की और दुआ जो है वो हुई तो अल्लाह ताला ने मुनासिब समझा कि हाँ ये दुआ जो है अगर मैं कबूल कर लूँ तो इस शख्स को ईमान की दौलत देने से ना सिर्फ इस शख्स का वो तो जिसको भी ईमान की दौलत मिले उसको फायदा होगा। तो जो इन जनरल भी लोगों को या दीन इस्लाम को भी फायदा पहुंचेगा उसको अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमा देता है। जी, और जी जनाब सर, फरुख भाई आपका सवाल शायद है कोई, तो आप पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है। जी, जी नहीं, कोई सवाल नहीं मजीद। अच्छा, शकील साहब एक छोटा सा एक मेरा सवाल था, बड़ा गैर इल्मी सा है। अच्छा, ये अल्लाह ताला के मतलब एक मुसलमान एक बंदा कलमा पढ़ लेता है तो वो ये जो अल्लाह के वजूद को दरियाफ्त करना है यानी शौरी तौर पर जो कहा जाता है कि जी आपने भी मैं भी बताया कि इंसान को चाहिए कि वो इस अकल का इस्तेमाल करे और दुनिया किस तरह बनी है और जो सिस्टम चल रहे हैं उनको देखे और कुरान पर गौर व फिक्र करे ताकि वो अल्लाह ताला के वजूद को दरियाफ्त करे। लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब एक शख्स मुसलमान ऑलरेडी है, उसने कलमा पढ़ लिया है, तो अल्लाह ताला के वजूद को फिर उसको दरियाफ्त
करने की क्या उसको क्या अहम जरूरत है, जो एक शख्स जो कि ऑलरेडी मुशर्रफ बाई इस्लाम हो चुका है, ये थोड़ा सा जरा क्लैरिटी चाहिए थी। अच्छा देखिए, जो पैदाइशी तौर पे मुसलमान है ना, वो अल्लाह ताला के वजूद को बस के बारे में ये जानता है कि एक है जिसका नाम अल्लाह है, और हमने ये पढ़ा है कि उसने कायनात बनाई है और उसने हमें भी बनाया है और उसने जन्नत दोज़ख बनाई है और उसने नबी भेजे, उसने कुरान नाज़िल किया है, ये हमने सुना है, हमें लोगों ने बताया है, हमने किताबों में पढ़ा है, हमारे वालदे ने हमें ये बताया। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है, ये उसकी नॉलेज नहीं है, उसका इल्म उसको नहीं बताता कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने ये कायनात बताई बनाई है और अल्लाह ताला इसको चला रहा है। अगर उसको किसी जो एथियस्ट के आगे बिठा दिया जाए और वो उससे बहस करे तो ये मुसलमान थोड़ी देर में ढेर हो जाएगा, क्योंकि जब वो एथियस्ट जो है वो उसको दलील देना शुरू करेगा तो इसके पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि बस इसके पास इल्म ही नहीं है, इसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसने पढ़ा है, इसने सुना है, इसने जो है वो जाना है मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू से, अल्लाह अल्लाह फैसला, तो इससे बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब आपके अंदर ये नॉलेज हो कि हाँ अल्लाह है, और अगर कोई एथियस्ट बैठता है या कोई और आता है तो आई कैन टैकल हिज और हर क्वेश्चंस, और मैं उसको ये मुतमईन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, तुम्हारी जो सोच है वो ऐसे नहीं है, कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, कायनात खुद ब खुद नहीं बन गई और बिग बैंग भी खुद ब खुद नहीं हो गया, और जो है वो इंसान जो है, इंसान जैसी मखलूक जो है ये कभी किसी हादसे के जरिए जो है वो नहीं बन सकती, और फिर ये है कि अब अगर वो हादसा हो ही गया है फर्ज कर लें, तो फिर जो है वो सारे इंसान तकरीबन एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है, ना शक्ल में, ना सीरत में, ना कैपेबिलिटीज में, तो ये कहीं प्रोग्राम चल रहा है, कोई डिसाइड कर रहा है कि जो है ये इसको कैसा होना है और उसको कैसा होना है। तो जब तक गौर व फिक्र नहीं होगा उस वक्त तक इंसान जो है वो अल्लाह ताला को दरियाफ्त नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन की बेस पे इंसान नहीं चल सकता। जी बेहतर, ये ठीक है। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ भी जहन में आती है वो ये कि जो अल्लाह ताला का पैगाम है, यानी तबलीग का जो एक प्रोसेस है, मतलब वो क्या हर इंसान की जिम्मेदारी है उस प्रोसेस का हिस्सा बनना? जी हाँ, ठीक है, वो ये बात तो तय है कि हर इंसान की ये जिम्मेदारी है, मुसलमान की या मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला के पैगाम को जितना उसने समझा है, जितना उसके पास इल्म आया है, उसको वो आगे पहुंचा दे। अच्छा, वो उसको आगे पहुंचाने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट अपनाने चाहिए हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से नहीं पहुंचाया जाता। हमारे यहाँ जोर है जुबानी तौर पर बता देने का, बहस कर लो लोगों से और उनको जो है वो बताने की कोशिश करो और उनके ऊपर जो है उनको बहस के अंदर चित करने की कोशिश करो। हमारा जो मतमय नजर है वो दूसरी तरफ चलता है। जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपको जुबान से तबलीग ना करनी पड़े, आपका अमल जो है वो ऐसा हो कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे और आपसे खुद जाने के भाई आप जो है हमें कुछ बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, बजाय इसके कि आप लोगों के पीछे पीछे जब भागते हैं और कहते हैं भाई मेरी सुन लो मेरी सुन लो, तो वो इंसान की नेचर इस तरह की है कि वो ऐसे लोगों से भिदकता है। तो जो अपने अमल से लोगों को तबलीग करने वाला काम है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सारा कुछ पहले आपको अपने ऊपर तारी करना पड़ता है, तो वो उसमें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, उसमें बड़ी पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सिंस इट इज डिफिकल्ट तो फिर लोग जो है वो ये वाला रास्ता इख्तियार नहीं करते, लोग जो है वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं कि जुबानी तौर पे कह दो, किताब लिख दो,
कोई नजम कह दो, नात नात लिख दो, हम्द कह दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो ऐसे फर्ज नहीं पूरा होता। जितना भी आपको पता है उसको पहले आपने अपने ऊपर लागू करना है, और ऐसा बनना है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आए, लोगों को लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना वो जिस चीज की तबलीग, या जिस चीज तबलीग तो नहीं, जिस चीज के ऊपर ईमान लाया है ये उसको खुद भी सही समझता है और दिलो जान से उसको मानता है, फिर जो है वो तबलीग हो सकती है। तो ये बात तो सही है कि आपने अपना मैसेज जो है वो आगे पहुंचाना है, उसका तरीकाकार जो है वो जरा मेरा ख्याल है कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जी ठीक है, यानी जो समझ जो बात की आती है कि कम से कम हर मुसलमान को अपने किरदार से जो है वो डिमोन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला इंसान को कैसा चाहता है कि वो क्या बने, यानी अल्लाह ताला का पैगाम क्या है, उसको अपने किरदार से एज अ मिनिमम, और उसके लिए फिर उसको ये कुरान पाक पर भी गौर करना पड़ेगा, और ये दुनिया का जो स्ट्रक्चर है कायनात का उसके ऊपर भी अपना कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको समझे। ठीक है सर। अच्छा जी, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट में कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं। जी कोई सवाल नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है शकील साहब मजीद कोई सवाल नहीं है, तो ठीक है हम सर, आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की, इस पर अमल करने की, और अहसन तरीके से अल्लाह ताला के पैगाम को बाकी दुनिया के लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जी आमीन जी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम।